यह एक सच्ची घटना है। 22 दिसंबर 1964 का दिन था। ट्रेन नंबर 653 तमिलनाडु के मंडपम से धनुषकोटि की ओर चल चुकी थी। इन दोनों जगहों के बीच में एक बहुत ही बड़ा समुद्र पड़ता है। ट्रेन उस समुद्र पर बने भारत के सबसे फेमस पुल यानी पाम्बन ब्रिज पर चढ़ चुकी थी। अचानक से समुद्र में हलचल बढ़ने लग गई थी। समुद्र की लहरें ऊपर उठने लग गई। तभी एक बहुत ही बड़ी समुद्री लहर उस ट्रेन की तरफ आने लगी और वो इतनी ताकतवर थी कि पुल के साथ साथ पूरी ट्रेन को समुद्र में बहा कर ले गई। रेलवे के अनुसार इसमें 150 के आसपास यात्री